हमारा भारत में जो कुछ भी हो ना 40 से 45 साल के बाद ही हुआ। क्या सबसे बड़ा चमत्कार देखे थे? कि बाबा जी वहाँ पे भी दिखते थे और यहाँ पे भी दिखते। अब कैंची के लिए बस ढूंढते हैं, सीधा भागते हैं दिल्ली और हल्द्वानी या जोली कोट, इधर तो नहीं जाना है। इधर हम लोगों को जाना है तो सबसे पहले भवाली जाना पड़ेगा, भवाली से फिर आराम से बस मिल जाएगी। लिफ्ट विफ्ट देखते हैं शायद मिल जाए। तो मुझे नैनीताल के बस स्टैंड पे छोड़ दीजिएगा क्या सर? मुझे वहाँ से कैंची धाम जाना है। बस स्टैंड तो नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा आगे। अच्छा, जहाँ तक जा सकते हैं। हाँ, आइए कोई नहीं, उधर से आ जाइए। थैंक यू सो मच। तो हनुमानगढ़ी आया था भगवान के दर्शन कर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो चले गए ऑलमोस्ट बहुत छोड़ के। मौसम बहुत सुहाना हो गया, अच्छा है, गर्मी से जान बचा। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे मुझे ही जाना पड़ेगा लगता है। इतना अच्छे तो भैया बहुत थे लेकिन इतना अनकंफर्टेबल राइड मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। कैंची कैंची बैंड बज गया, कोई कैंची पहुंचा दो यार। इसने बोला कि 3 सीट आगे हम लोग बैठाते हैं, मतलब यहाँ पे 3 आदमी कैसे बैठते हैं, ये मेरे अंडरस्टैंडिंग से परे है। खैर केदारनाथ में भी ऐसा ही हो रहा था तो मैंने तीनों कम्फर्ट के लिए बुक कर लिया है, 90 रुपए ओनली। यहाँ से भवाली, फिर भवाली से कौन सा बैग भाई? जब बोलते हैं ना यहाँ किसका है बैग, मैं ही पीछे, अभी ये पीछे जो मैंने स्लीपर डाला ना उस बैग में, वो 2 बार रॉयल एनफील्ड में गिर गया वाइल राइडिंग। उसमें उस रॉयल एनफील्ड में पीछे पकड़ने का कुछ नहीं था और मैंने भारी वाला जो बड़ा वाला लगेज वो पीछे रखा था, मैं ऐसे था और मैं उसे भी नहीं पकड़ सकता। वो 3 मिनट का सबसे अनकम्फर्टेबल राइड था अभी तक का। भवाली से बहुत बसें जाती हैं तो कोई भी बस 20-25 रुपए में बैठ जाओ बस हो जाएगा, बस वहीं पे मेन जाना बाकी है। देखो मैं तो इधर आने वाला नहीं था, मैं तो काट बताऊँ से सीधा जाने वाला था कैंची, लेकिन महाराज जी की कैसी कृपा हुई देख लो, मैंने जो सोचा भी नहीं था हनुमानगढ़ी पहुँचा दिया। आप बोलोगे भाई क्या ही बोले यार, क्या ही बोले भाई, क्या ही बोले। ये नैनीताल की ही ट्रेकर वाली स्टैंड है, यहाँ से भवाली है 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर के लिए 90 मांग रहा। खैर बस अब कैंची, अब कैंची के लिए बस कहाँ से मिलेगी, और अभी 10:30 हुए हैं। कैंची आओ, आपको याद होगा पिछले बार मैं आया था तो यहाँ पे पूर्णानंद जी के पास, और उन्होंने बोला था कि अगली बार जब आओगे तो यहीं पे ठहरना। तो मैं उनके घर आ गया हूँ, अपना बड़ा वाला बैग वहाँ पे रख दिया है और अभी बजे हैं 11:11, तो 5 घंटे अपने पास है। मैं रहने वाला तो आज हूँ नहीं, मंदिर में ही रहूँगा, 5 घंटे बाद निकल जाऊँ, क्योंकि रात में यहाँ से बस मिलती नहीं है काठगोदाम के लिए, और हम लोगों को सीधा काठगोदाम जाना है। आप करते हैं महाराज जी के दर्शन। बहुत कुछ बदल गया है यहाँ पे। वहाँ पे रिमेम्बर वी यूज टू ईट पकौड़ी एंड पुदीने की चटनी, पता नहीं वो कहाँ है, उड़ के पूरा नई नई दुकान है वहाँ पे हम लोग रहे थे, वो ऊपर वाले रूम में रहा करते थे। बस ये जो अनुपम्स प्योर वेज रेस्टोरेंट है ना, मतलब यहाँ पे भरपेट खाना है, लेकिन खाना वाना होता रहेगा। ओ नो,
ओ नो 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 नो, मैं चार लेटर लेके आया तो महाराज जी को चढ़ाना था पर मैं भूल गया, वो जाके लाना पड़ेगा, नहीं तो बद्री में इतनी टाइट सिचुएशन थी ना कि मुझे नहीं लगा था मैं आ पाऊंगा, लेकिन वो चार लेटर के कारण मुझे आना, क्योंकि उसने ज्यादा मुझे फोर्स किया जाओ, तो वो लोग क्या सोचेंगे चार लोगों ने लेटर दिया है और यहाँ पे महाराज जी के पास लेटर चढ़ता है, आप लेटर अगर दे सकते हो तो दे दो, समझो कि सीधा बजरंगबली के पास आपका लेटर चला गया, इट्स लाइक दैट। बद्रीनाथ की चप्पल यहाँ पे काम आ रही है। जिना प्रसाद ये पहले वो सेब लेता था पर पता नहीं सब चेंज हो चुका। नल हूँ अधिक ना मांगू, विश्वानल हूँ अधिक ना मांगू, मांगू एक सिंगारी बजे हैं अभी एंड थोड़ा सा बस लंच कर रहा हूँ, उसके बाद वापस एक ट्रिप में आऊँगा, फिर आऊँगा, अभी बस खाने के लिए जा रहा हूँ फिर वापस। पारिजात ने बोला था कि उसके लिए प्रसाद लेके आना, तो मैंने ले लिया। कब 2 घंटे निकल गए, 1 घंटे कब पता नहीं चला, एकदम कुछ पता नहीं चला। पर अब पूरा कैची के अंदर सब कुछ चेंज हो गया है, पहले तो मतलब बहुत करीब जाने देते थे, अब पूरा वायरिंग वगैरह हो गया तार वार। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला कि भीड़ बहुत बढ़ चुकी है अब, हाँ और भी ज्यादा फेमस हो रहा है मंदिर, तो हो गई। तो फिर हम लास्ट बार मैं यहाँ पे आया था अनुपम प्योर वेज रेस्टोरेंट में, तो यहीं पे वाईफाई के सिग्नल से मैंने अपलोड किया था, जो अपलोड किया था। अब देखते क्या खा सकते हैं, मैंने इसके लिए बचा के रखा है कि यहाँ पे जाके भरपेट बैठा दूंगा, अब देखता हूँ क्या है, ट्राई करता हूँ। ये कार मिल गई अचानक, क्योंकि अभी कुछ गाड़ी वाड़ी इधर का होता नहीं है, और होता भी है तो बस होता है, तो जाके चलो निकल ही जाते हैं। सपोज टू गो एट 4 पर अभी 3 बजे ही जा रहा है, और अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से जाना कभी भी अच्छा नहीं लगता है, कभी भी नहीं। बस यहाँ से जूता पहन के निकल जाता हूँ।
तीन बजे अभी निकलना पड़ेगा, भले ही मेरी बस या जो भी है वो 9 बजे है, लेकिन स्टिल हैव टू गो क्योंकि यहाँ से 5 बजे बाद कुछ नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो रिजर्व करके 1200-1300 में जाना पड़ेगा। अभी 100-150 में निकल रहा हूँ मैं। यार मैं कितनी जगह से निकला हूँ, हरिद्वार, केदार, बद्री, कहीं भी ऐसी फीलिंग नहीं आती, ऐसा लगता है क्यों जा रहा हूँ वहाँ, यहाँ से मत जाओ। सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस, यहाँ से जाने का मन नहीं करता कभी, कभी भी नहीं। शरदा की तो सारा सब कमाल है। हाँ शरदा का तो सारा कमाल है। केदार का कमाल थोड़ी है, शरदा का। केदारनाथ होके आए, बद्रीनाथ भी होके आए, लेकिन कहीं ऐसा फीलिंग नहीं आता। चौराहे से आगे वाले से पूरे 40 किलोमीटर है, पूरे 40 किलोमीटर। अच्छा बाबा जी के इधर से पूरे 54 किलोमीटर। अच्छा आज से 50 साल पहले बाबा जी का वो हुआ है, समाधि ली है। 50 साल पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, ये सब तो कुछ नहीं होगा, समझ में सर। हमारा भारत में जो कुछ भी हो ना 40-45 साल के बाद ही हुआ। क्या सबसे बड़ा चमत्कार देखे थे? कि बाबा जी वहाँ पे भी दिखते थे और यहाँ पे भी दिखते थे, समझे? जो यहाँ के जो बड़े बड़े हैं ना वो यही बताते, और बाबा जी को वहाँ अलग माना करते थे। कि बाबा जी के 2-3 किस्से हुए, एक ट्रेन का किस्सा हुआ, एक नखलों के ब्रिज का किस्सा है, कई कहानियाँ है ना बाबा जी के बारे में भी, बहुत अनेकों कहानियाँ। तो ये कि जितने मुँह है उतनी बातें हो जाती है सर, वो फेसबुक वालों की कहानी चलने लगी। बाबा जी का जो ओरिजिनल चमत्कार है ना, जिनको पहाड़ी चमत्कार बोलते हैं, तो बाबा जी का पहाड़ी चमत्कार ही है। क्योंकि उस वक्त कैची धाम से, मुश्किल से कैची धाम से भी नहीं, वो भी रानीखेत से बस आती थी एक। अच्छा बड़ी झोंगा जीपों का दौड़ था उस टाइम पे, जो हमारे पहले के ड्राइवर हैं, बड़े ड्राइवर जो एक आध जो रह गया है वो बताते हैं, जब हम काठगोड़ा से सवारी, हल्द्वानी से सवारी लेके जाते थे, अच्छा, तो पहाड़ों में रात को हम जहाँ रुकते थे तो वो लोग बेचारे खाना पीना स्टडी कर, तो सुबह में जो गांव का बंदा कोई जाने वाला होता था ना सर, तो 8 दिन पहले से इंफॉर्मेशन होती थी ड्राइवर को, बंदा आना, तभी तो जंगल ही जंगल हुआ, जंगल ही जंगल। बाबा जी की तो इतनी अब इस वक्त माशाल्लाह से मानता है दोस्त, बात ही नहीं, अभी भी विराट कोहली आ गया है। हाँ जो कोई भी बड़ा टूर्नामेंट खेलने से पहले चमके चमके बिजुरी।